आ गए मुस्तफा गए। अगर बात सच्ची है तो लहरा के बोले आ गए मुस्तफा गए। सारी दुनिया के मुशरिक खुशा गए आ गए कि आ गए मुस्तफा मुश्किल खुशा आ गए। खिल उठा हर चमन मुस्कुराई कली जब जहां में हबीब खुदा आ गए। ये पूरी कायनात जिसके सदके में बनाई गई उसी के नाथ के शेर को अल्लाह सुनात कर ले कि जिनकी आमद से जगे में उजाला हुआ। जोर से रब ताला हुआ। सारी खिलकत ही बीमार थी जिस घड़ी सारी खिलकत ही बीमार थी जिस घड़ी लेके हर मर्ज की वो दवा। अच्छा बताइए ये बेचारे सब काम यही करेंगे तो आप भी कुछ करेंगे ना, तो काहे बगैर नारा लगा लिया करें। अब एक बंद पढ़ता हूँ और उसकी बारगाह में जिसके जिक्र में आप बैठे हैं उसके वालिद मोहतरम की बारगाह में जिसे पूरी दुनिया सरकार मौलाए कायनात कहती है पढ़ता समाप्त कर ले। आ गए एक बार मौला अली के नाम पे दोनों हाथों उठा के बोले यारी। जोर से बोले यारी। आ गए सुने जिनकी कुवत है धरती गगन जिनकी कुवत है धरती गगन तोड़े काबे के बुद्देवा परिकने। जोर से हम अली के नाम पे तो मुर्दे भी बोलते हैं आप तो जिंदा बैठे हैं घरा के बोले या हुसैन कि जिंदगी की कुवत पे है हथरी हरी गगन तोड़े काबे के देवा परिशिकने। काँप उठता था हर दुश्मनों का बदन जिस खड़ी गन में शेर खुदा गए आ गए
नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमत इमाम अली मकाम, अजमत हुसैन। हजरत हजरत एक शेर, ऊंचा तो तेरे कद से कोई कद ही नहीं है, ऊंचा तो तेरे कद से कोई कद ही नहीं है, दुनिया में तेरे जद सा कोई जद ही नहीं है, और यूं तो मुअय्यन है समुंदर की हदें भी, हुसैन तेरे सब्र की कोई हद ही नहीं। वाह वाह वाह, फिर सुने, जिनकी कुवत है धरती गगने, जिनकी कुवत है धरती गगने, तोड़े नावे के बुदेव पर शिकने, कांप उठता था हर, कांप उठता था हर, कांप उठता था हर विषय मनो का बदन, कांप उठता था हर विषय मनो का बदन, कांप उठता था हर विषय मनो का बदन, जिस घड़ी रन से खुदा आ गए, आ गए अब आप बोलेंगे, जिस घड़ी रन से खुदा, पूरा मजमा बोले कसम खुदा के, अगर ये पूरा मजमा अपनी आवाज निकालकर बोल देना तो ये जान लीजिए कि फरक्का तक नहीं तो कम से कम मालदा तक तो आवाज पहुंची जाएगी। अब पहुंचा के दिखाइए कि जिस घड़ी रन से खुदा आ गए, आ गए, आ गए, आ गए। एक शेर पढ़ूं, एक बन पढ़ूं, लेकिन मुझे यकीन है कि उलमा इकराम की दुआएं मिलेंगी। जब नबी की शरिया पे हमला हुआ, इंशाल्लाह अगर लगे कि कुछ नए तरीके से बात कही गई है तो बंगाल वालों दुआएं देना कि जब नबी की शरिया पे हमला हुआ, जब नबी की शरिया पे हमला हुआ, सरजमीन बरेली ने दिए सदा। अगर अगर बरेली वाले हैं तो हरा के बोले या हुसैन, कि जब नबी की शरिया पे हमला हुआ, सरजमीन बरेली ने दिए सदा। क्या क्या न घबराओ आए, यू न घबराओ आए, यू न घबराओ आए, सुनियों तुम डरा, क्यों न घबराओ आए, सुनियों तुम डरा, अरे खत्म कर ले उन्हें अब रजा आ गए, आ गए, आ गए। नारे फैजाने आला हजरत, मस्त के आला हजरत, उनसे हुजूर की आला, नारे नारे रिसालत, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ওখানে জিনারা দাঁড়িয়ে আছেন, এখানে ফাঁকা আছে, এখানে অনেক লোক আসবে ঢুকবে, এখানে এসে বসুন, जिनारा दाड़ी आते हैं वह घूरे चले जाते हैं अनेक लोग लेकिन अगर आपको बंगाली समझ में नहीं आई है तो मैं उर्दू में बताता हूँ। जो लोग वहाँ खड़े हैं, वहाँ से गाड़ी आ जा रही है, इधर दाहिने जानी स्टेज के जगह खाली है, आप वहाँ आगे बैठे 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 बैठे। ये मैंने आपको समझाया है, अब उनकी बात अगर नहीं समझ में आई है तो मेरी भी समझ में आनी चाहिए। लहरा के बोले या रसूल अल्लाह, आ गए, आ गए। हिम्मत से हुक्म हुआ कि इस बंद को फिर पढ़ा जाए, आप सुनेंगे, नहीं सुनेंगे तो भी पढ़ूंगा, क्या कर लेंगे। मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह, आ गए। बस थोड़ा सा रंग पैदा करें, एहसान शाकी बहुत दूर से सफर करके आपके दरमियान आया है तो कम से कम अपना रंग आप तक पहुंचा के जाए। आ गए, आ गए। सुने जब नबी की शरिया पे हमला हुआ,
ने बरेली ने दिए सदा क्या जो न घबराओ आए सुनियो तुम जरा क्यों न घबराओ आए सुनियो तुम जरा अरे खत्म करने उन्हें अब रजा आ गए जिंदाबाद राजू शरिया का जिंदाबाद आ गए तपा गए अब एक बंद सरकारे इमाम हुसैन की बारगाह में हुसैनी है जोर से या हुसैन अमा देखे कसम खुदा की बरेली का कनेक्शन करबला वालों से जब नबी की शरीयत पे हमला हुआ आपने यहां सुना अब सुने लो नबी की शरीयत बचाने चले ये करबला है या हरेली है कि लो नबी की शरीयत बचाने चले लो नबी की शरीयत बचाने चले हर का घर दीन हक पे बंगाल वालों आधा शेर तो बोल ही सकते हो तुम इतना आसान शेर है ये आधा शेर बोल के बताइएगा लुकाने चले कि लो नबी की शरीयत बचाने चले हर का घर दीन हक पे लुटाने चले घर 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 दीन हक पे लुटाने चले सामने हक के बातिल हुआ जब खड़ा सामने हक के बातिल हुआ जब खड़ा सामने हक के बातिल हुआ जब खड़ा करबला में सहे करबला आ गए अब एक बंद और सुन ले सरकारे मौला अब्बास को जानते हैं ना दीवाने हैं उनके अम्मा वो उस शहीद की बारगाह में एक बंद सुने किस तरह ले थे अलमदार के या हुसैन कि इस तरह चले अलमदार के जिस्म पे जख्म थे जो तलवार के लेकिन फिर भी मेरा वो अब्बास अब बंद सुने कि इस तरह चले अलंदार के जिस्म पे जख्म थे जो तलवार के हे जुदा दोष से दोनों बाजू मगर हे जुदा दोष से दोनों बाजू मगर हे जुदा दोष से दोनों बाजू मगर दरिया पे परचम को लहरा गए आ गए अच्छा इन चरमैनों में कोई है दीवाना जो नारा लगाए माशाल्लाह हाँ कुर्सी पाने के बाद सबकी बोलती बंद होती है लेकिन हमारे यहाँ एक ऐसा है जो कुर्सी पाने के बाद बोलती बंद ही नहीं होती
लेकिन यहाँ बोलती बंद है। एक आखिरी बंद समाप्त कर ले। आ गए तपा गए सारी दुनिया के मुशरिक दिलकुशा आ गए सुने अगर लगे तो गाऊंगा ताली ताली मोहब्बत के साथ बोलने क्या होता है आ गए एक बन 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 उस शहीद की बारगाह में कि एक एक बच्चे के कदमों की ऐसी करबला का वो मैदान है पढ़ा लिखा ये मजमा मेरी निगाहों के सामने है कि एक एक बच्चे के कदमों की ऐसी धमके दुश्मनों के कलेजे भी भगे एक बच्चे के कदमों की ऐसी धमके रह गए दुश्मनों के कलेजे भी भगे जिस्म असगर से जब खून का कतरा बहा जिस्म असगर से जब खून का कतरा बहा जिस्म असगर से जब खून का कतरा बहा तब 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 करबला की जमीन को भी दहेला गए आ गए अब एक नारा और लगाऊं एक बंदा और बोलो सुनोगे आप टोपी लगा लेते तो और अच्छे लगते एक बंदा और बोलूं अगर आप टोपी लगा लेते तो और अच्छे लगते लेकिन इसलिए कि आप ऐसे नाम पे मचल रहे हैं कि बगैर टोपी वालों को पसंद ही नहीं करते वो नाम क्या है सुने अब आप खुद मचलेंगे मेरे ताजू शरिया कि ये शान है जोर से कि मेरे ताजू शरिया कि ये शान है आज भी उनका हर एक मैदान है अगर बात सच्ची है तो लहरा के या रसूल अल्लाह कि मेरे राजू शरिया की ये शान है आज भी उनका हर एक मैदान है खुद वली है वली और इब्ने वली खुद वली है वली और इब्ने वली देखते शहर पे छा गए आ गए अब देखिए कितना अच्छा लग रहा है जिंदाबाद ताजू शरिया माशाल्लाह आ गए अच्छा मक्ता पढ़ना कोई जरूरी है क्या नहीं पढ़ेंगे तब भी लगाने वाले अपना मक्ता लगा लेते हैं कोई जरूरी थोड़ी है कि मक्ता पढ़ाए मक्ता पढ़ने वाले भी अपना मक्ता लगा ही लेते हैं चाहे किसी का भी कलाम मैं हालांकि मुझे जो हुक्म दिया गया कि महीने की निस्बत से आपको काम करना है तो महीना मुहर्रम हराम का है मैं मनकबते इमाम हुसैन ही आप तक पहुंचाऊं सुनेंगे जोर से बोलिए हां जी आदि गया है हां हां